जैसे एपी के अंदर क्या चीज है कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट होता है, ठीक है। ऐसे जीपी के अंदर क्या है, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो कांस्टेंट होता है, मतलब डिवीजन उनका कांस्टेंट होगा, रेशियो का मतलब डिवाइड करना, ठीक है। तो अगर मेरे पास ए वन ए टू ए थ्री ए फोर सो टिल ए एन है, एन टर्म्स है, तो ये जीपी में कब होंगे, जब टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो इज कांस्टेंट, ठीक है। तो मतलब इन दोनों को डिवाइड करो तो ए टू बाय ए वन, इन दोनों को डिवाइड करो ए थ्री बाय ए टू, इन दोनों को डिवाइड करो ए फोर बाय ए थ्री, ए एन माइनस वन, पिछले वाली ना, ए एन माइनस वन डिवाइड करो ए एन बाय ए एन माइनस वन, ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, बराबर, राइट। तब जाके ये सारे के सारे क्या होंगे, टर्म्स जीपी में होंगे, ठीक है, ज्योमेट्रिकली प्रोग्रेशन में है। तो अच्छा, इसी चीज को हम बोलते हैं आर, जिसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। जैसे उसके अंदर डिफरेंस था तो कॉमन डिफरेंस बोल दिया, इसके अंदर रेशियो है तो कॉमन रेशियो बोल दिया, ठीक है। अब देखो जरा अगेन, इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को, मेरा थोड़ा सा नेटवर्क हिल गया था। तो हाँ जी हम की रात क्या हुआ, सर मेरा नेटवर्क कनेक्शन बीच में गड़बड़ा गया था। ओके ओके अभी ठीक है, ठीक जी अब ठीक है। है ठीक है ठीक, मैत्री ठीक यस सर। है, आ जाओ इधर, अभी शुरू किया जस्ट, ठीक है। तो ए वन ए टू ए थ्री सोनटिल ए एन जीपी में कब होंगे, जब दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो कॉन्स्टेंट होगा, जैसे एपी में डिफरेंस कॉन्स्टेंट था, यहां पर रेशियो कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। तो ए टू बाय ए वन, ए थ्री बाय ए टू, ए फोर बाय ए थ्री, सोनटिल ए एन डिवाइडेड बाई ए एन माइनस वन, ये कॉन्स्टेंट होना चाहिए, लेट्स से आर, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट, सॉरी कॉमन रेशियो। अब देखो फर्स्ट टर्म अगर मैं ए लेके जा रहा हूं, तो मैंने ए टू बाय ए वन को आर के बराबर किया, तो ए टू बाय ए वन आर के बराबर हो गया, तो ए टू की वैल्यू क्या आ गई, आर इंटू ए वन, हाँ ना, ठीक है, आर इंटू ए वन। अब देखो ए वन को ए लेके जा रहा हूं, फर्स्ट टर्म को ए वन है, वो ए लेके जा रहा हूं, इधर पुट किया तो क्या आ गया, ए आर ए टू, राइट। यानी कि ए वन अगर मेरा ए है तो ए टू के जाएगा ए आर, खुद सोचो, तभी डिवाइड करके आ रहा है ना। ऐसे सोचो अगर मैं इसको लेके जाऊं, ए थ्री डिवाइडेड बाई ए टू, ये क्या है, ये भी आर है, तो ए थ्री की वैल्यू क्या आ गई, मल्टीप्लाई किया आर इंटू ए टू, राइट। अब ए टू की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ए इंटू आर, तो इधर पुट किया तो क्या आ गया, आर इंटू ए आर, तो दैट इज ए आर स्क्वायर, राइट। तो ए थ्री क्या आ गया, ए, तो बेसिकली आर से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, जैसे उसके अंदर डी एड होता जाता था, इसके अंदर आर से मल्टीप्लाई होता जाता है, तो ऐसे ए फोर क्या आएगा, ए आर क्यूब, ए फाइव क्या जाएगा, ए आर की पावर फोर, सो ऑन टेल ए एन। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर फर्स्ट टर्म के अंदर आर की पावर क्या है, जीरो, तभी आर की पावर जीरो इज वन ना, राइट। तो ए वन के अंदर, फर्स्ट टर्म के अंदर आर की पावर क्या है, वन, टू के अंदर पावर वन, थ्री के अंदर पावर टू, फोर के अंदर पावर थ्री, फाइव के अंदर पावर फोर, तो एक कम पावर है, जैसे उसके अंदर क्या होता था, डी ए कम होता था, राइट, इसके अंदर पावर में एक कम आएगा, तो क्या आएगा इधर, फिर ए आर की पावर एन माइनस वन, एक कम पावर में आएगा, तो इसका जनरल टर्म जो आ रहा है, जनरल टर्म बोल लो या फिर लास्ट टर्म बोल लो या फिर एनएथ टर्म बोल लो, क्या आएगा, ए आर की पावर एन माइनस वन, दैट इज फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो की पावर पोजीशन माइनस वन, ये समझ में आया, हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो, लास्ट में सुना ऐसा ये दोबारा बता भाई। जनरल टर्म के अंदर हमने क्या बोला कि अगर ए वन मेरा ए आ रहा है, ए टू मेरा ए आर की पावर वन आ रहा है, ए थ्री मेरा ए आर स्क्वायर आ रहा है, तो हो क्या रहा है, जो पोजीशन है पोजीशन थ्री है, राइट, लेकिन पावर में टू आ रहा है, पोजीशन फोर है पावर में थ्री आ रहा है, पोजीशन फाइव है पावर में फोर आ रहा है, तो पावर में एक कम आएगा, तो अगर पोजीशन एन है तो पावर में एक कम क्या आएगा, एन माइनस वन, तो जनरल टर्म क्या जाएगी, ए एन इज ए आर की पावर एन माइनस वन, तो ए क्या है मेरा फर्स्ट टर्म, आर क्या है कॉमन रेशियो, एन माइनस वन मतलब पोजीशन माइनस वन, तो ए फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो की पावर पोजीशन माइनस वन, ए आर की पावर एन माइनस वन, ये जाएगा मेरा जनरल टर्म, समझा का ना, यस सर। राइट राइट राइट, नोट करो नोट करो।
देखो जरा, ठीक है। तो हमें जनरल टर्म दैट इज ए एन, ए आर की पावर एन माइनस वन, इसकी वैल्यू ढूंढने के लिए हमें चाहिए ए एंड आर, राइट। ए एंड आर पुट कर देंगे तो जनरल टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो यहां से ए क्या आ रहा है, फर्स्ट टर्म 1/4, आर कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो दैट इज -1/2 डिवाइडेड बाय 1/4, तो दैट इज इक्वल टू -1/2 और 4 चला जाएगा ऊपर, तो ये 2 कट के 2 आ गया, तो दैट इज -2, तो ये आ गया हमारा कॉमन रेशियो, ठीक है। अब ये दोनों की दोनों वैल्यूज हमने इसमें पुट की, तो एन क्या आ जाएगा, एनथ टर्म क्या आ जाएगा, ए फर्स्ट टर्म दैट इज 1/4 इनटू कॉमन रेशियो दैट इज -2 की पावर एन माइनस वन, ये हमारा जनरल टर्म आ गया, ठीक है। पक्का केशव, ऑनलाइन क्लियर हुआ कनाब, यस सर। राइट। अच्छा अब नाइन्थ टर्म अपने को निकालना है, फाइंड द नाइन्थ टर्म, तो नाइन्थ टर्म क्या आ जाएगा, टी एन सॉरी ए नाइन, तो एन को नाइन पुट करना है, तो ये आ गया 1/4 इंटू -2 की पावर 9 - 1, तो दैट इज -1/4 इंटू -2 की पावर 8। अब -2 की पावर 8 क्या होगा, ठीक है। पहली बात तो माइनस की पावर 8 होगा, तो माइनस की पावर इवन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये चला जाएगा 1/4 इंटू 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 क्या आ जाएगा, 2 इंटू 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 2, 8 बार लिख दिया, सबसे बेसिक चीज, ठीक है। ये कटा तो 2 की पावर 6 बचा, 4 4 4, तो 4 का क्यूब दैट इज 64। तो एक तो ये सिंपल तरीका। अब अगर मैं पावर्स की फॉर्म में देखूं कैसे निकालना है, ठीक है, ध्यान से देखो, वो ज्यादा इजी होता है, ये इवेल्यूएशन नहीं करनी पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा, देखो ऊपर पहली बात तो माइनस हट जाएगा, 2 की पावर 8 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 को लिखा 2 की पावर 2, अब ये पावर जब ऊपर जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाता है पावर, तो आ जाएगा 2 की पावर 8 -2, तो दैट इज 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 क्या होता है, इसको देखो ऐसे लिखा 2 की पावर 2 का क्यूब, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 6 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर तो 4 का क्यूब, 4 का क्यूब क्या आ जाएगा, 64। तो इस तरीके से भी इवेल्यूएट किया जा सकता है, जैसे मर्जी करो फाइनल आंसर 64 आना है, चाहे 2 को 8 बार लिख के फिर कैंसिल आउट कर दो, जैसे मर्जी कर लो, फाइनल आंसर इज 64। तो यस, नाइन्थ टर्म इन दिस इज 64। ऑनलाइन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो, यस सर, यस, नोट करो, नोट करो, ठीक है, ध्यान से करना ये तीनों क्वेश्चन जल्दी। देखो फर्स्ट क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ दिस इज 120 1/128, तो इसकी क्या करेंगे, जनरल टर्म निकालेंगे, तो जनरल टर्म के अंदर किसी ना किसी एन की वैल्यू के लिए ये बन जाना चाहिए, है ना, तो किस एन की वैल्यू के लिए बन रहा है वो हमारा पोजीशन आ जाएगी, बात खत्म, ठीक है ना। तो अब देखो हमने क्या किया, 2 1 1/2 1/4 एंड सो ऑन, इसको पकड़ा एंड इसकी हमने निकाली जनरल टर्म, तो जनरल टर्म क्या आ जाएगी, ए दैट इज 2, ठीक है। देन निकाला आर, आर क्या आ रहा है, 1/2 दैट इज 1/2, ठीक है 1/2, तो इसका जनरल टर्म ए एन क्या आ जाएगा, ए आर की पावर एन माइनस वन दैट इज ए 2 इंटू 1/2 की पावर एन माइनस वन, ठीक है, यहां तक कोई डाउट। अब ध्यान से देखो ये क्या बन जाना चाहिए, 1/128। अब यार एक चीज समझो, 1/128 होता क्या है, ठीक है, दैट इज 1/2 की पावर 7, ये मालूम है नहीं, फैक्टराइजेशन करनी थी। जीपी के क्वेश्चन में तुम्हें हमेशा क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है, बात समझ में आ रही है, जीपी के क्वेश्चन में हमेशा तुम्हें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है। तो यहां पर भी क्या आ रहा है, 128 की फैक्टराइजेशन करके आ रहा है 2 की पावर 7, देख लो 128 ना, इसको लिखा 4 इंटू 32, ठीक है, तो ये क्या होता है, 8 इंटू 4 32, तो ये आ गया 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, तो दैट इज 2 की पावर 2 + 3 + 2 दैट इज 7, तो 128 बन गया 2 की पावर 7, ठीक है ना, बड़ा सिंपल सा। अब देखो जरा, तो अब इस चीज को हम इसके बराबर करेंगे,
तो 2.1/2 की पावर n माइनस 1 दैट इज 1/2 की पावर 7 क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये नीचे गया 2, तो ये नीचे जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 1/2 की पावर n माइनस 1, इधर सिर्फ ये बचेगा, दैट इज ये नीचे जाके क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 8 और 1/2 की टोटल की पावर 8, हाँ या ना, क्योंकि ऊपर तो 1 ही है तो 1 से तो फर्क नहीं पड़ता। तो अब कंपेयर करो 1/2 की पावर n माइनस 1, 1/2 की पावर 8, तो n माइनस 1 क्या होना चाहिए 8, तो n क्या होना चाहिए, तो यस इस जीपी की 9th टर्म है 1/128। आई होप क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। यस कनव, कनव क्लियर है? यस ठीक है, ठीक है हटाऊं? ठीक सेकंड देखो जरा सर, एक मिनट रुक जाओ, जल्दी कर, जल्दी करना, जल्दी। yes. देखो विच टर्म ऑफ दिस जीपी इज अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। एक ना पहले इसकी फैक्टराइजेशन मत करो, ठीक है, इसकी पहले जनरल टर्म बनाओ, वहां से इसकी फैक्टराइजेशन करो, एक हिंट मिलेगा तुम्हें, ठीक है ना, एक हिंट मिलेगा तुम्हें, ठीक है। देखो क्या, उसकी पहले जनरल टर्म निकाली तो जीपी क्या है 2, 8, 32 एंड सो ऑन, है ना। तो ए क्या आ रहा है इसका 2, आर क्या आ रहा है इसका 8/2 दैट इज 4, ठीक है। तो जनरल टर्म क्या जाएगा ए एन दैट इज 2 ए, आर की पावर, आर क्या 4, तो 4 की पावर एन माइनस 1, राइट। तो ये जनरल टर्म आ गया, यानी कि यहां पर एक चीज समझो कि तुम्हें सब कुछ 4 की पावर में लेके आना है 2 से डिवाइड करने के बाद, यानी कि अगर मैं इसको जनरल टर्म को 131072 के बराबर कर रहा हूं, है ना, तो 2 से डिवाइड कर दो तो 4 की पावर n माइनस 1 क्या आ गया 131072 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आ जाएगा 65036 ना, 65536, 655, ठीक है, ये आ जाएगा, बात समझे। अब ये जो चीज है, यस ये 4 की पावर में टोटली चली जानी चाहिए, यानी कि इसका 4 के अकॉर्डिंगली फैक्टराइजेशन करना, ये यहां से मेरे को ये पता चला, ठीक है। तो देखो 65536 है ना, हाँ जी सर, ठीक है। अब डिवाइडेड, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 इंटू क्या आएगा, ठीक है, दैट इज 16 3 33 8, तो 4 ये आ गया, फिर से करो 4 इंटू, ठीक है, इसको फिर 4 से किया तो 4 का क्या आ जाएगा 4 4 16, ठीक है, बाकी बचा 4 0 9 4 36, तो 24 दैट इज 6, ठीक है। हम 4 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि ये 4 की पावर है, बात समझ, 4 की पावर n माइनस 1 ये जा रहा है, यानी कि ये 4 की पावर में चला जाएगा, बात समझ रहे हैं, तो इसको 4 से मतलब ये टोटली 4 की पावर समथिंग में कन्वर्ट हो गई होगा, तो इसलिए 4 से डिवाइड कर करके इसकी 4 की टर्म्स में फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। और सर मल्टीप्लाई भी करना है 4 का, मल्टीप्लाई करना है जरा 4 × 168 को लिखना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा ना, इसकी फैक्टराइजेशन तो यही होगी ना, दिस इनटू दिस, पहला फैक्टर इनटू दूसरा फैक्टर, सर 4 आ रही है, हां जी 4 की पावर 8 आ रही है, हां वो ठीक है, बट कनव क्लियर हुआ? यस सर, हाँ। अब देखो जरा 4 × 4 × अब इसका आगे 4 × आ जाएगा 1024, ये होता है तुम्हारा 4 की पावर 3, ठीक, ये तीनों, और ये होता है तुम्हारा 2 की पावर, एक्चुअली में ये होता है 10, 2 की पावर 10, 1024 स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो ये अब देखो, इसको लिखा मैंने 4 की पावर 3 × 2 की पावर 2 की पावर 5, तो 4 की पावर 5 ये चला गया, और ये 4 की पावर 3, 4 की पावर 8 चला गया, यानी कि एक्चुअली में ये जो दे रखा है ये 4 की पावर क्या है 8, तो 4 की पावर n माइनस 1 क्या चला गया 4 की पावर 8, तो n माइनस 1 चला गया 8, तो n चला गया 9, यानी कि सीक्वेंस की 9th टर्म, इस जीपी की 9th टर्म है ये, तो देख रहे हो स्टार्टिंग कहां से हो रही है 2 से, 4 से मल्टीप्लाई करते करते 9th टर्म देखो कितनी बड़ी चली गई, इसको फिर 4 से मल्टीप्लाई करो 10th टर्म और गंदी जाएगी। कहने का मतलब यह है कि एपी के अंदर इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती, जीपी के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ती है, तो समझ आ रहा है? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ, चले आगे। यस सर। कनाफ? यस सर। चलो अब आगे देखो जरा,
देखो क्या बोल रहा है, ए इज वन जीपी का थर्ड टर्म यानी कि ए आर की पावर थ्री माइनस वन टू प्लस फिफ्थ टर्म ए आर की पावर फाइव माइनस वन दैट इज फोर दैट इज इक्वल टू 90, राइट। तो ए की वैल्यू वन पुट कर दो तो क्या चला गया, आर स्क्वायर प्लस आर की पावर फोर इज 90, राइट। अब आर की वैल्यू ढूंढनी है, देखो सिंपल है, फैक्टराइजेशन करनी है, आर की पावर फोर पहले लिखा, आर स्क्वायर माइनस 90 दैट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, 90 को इधर ले आया। अब ध्यान से देखो, इसको लिखा आर की पावर फोर प्लस टेन आर स्क्वायर माइनस नाइन आर स्क्वायर माइनस 90 दैट इज इक्वल टू, सेपरेटिंग द मिडिल टर्म वाला जो हम क्वाड्रेटिक में करते थे, यहां पे क्वाड्रेटिक बस पावर टू में नहीं पावर फोर में, ठीक है। अब देखो इन दोनों के अंदर देखो ऐसा हो ना, इन दोनों का प्रोडक्ट किया जा रहा है माइनस 90, इन दोनों का प्रोडक्ट किया जा रहा है माइनस 90, हो गया सेपरेटिंग द मिडिल टर्म, यही तो करते थे हम, राइट। इन दोनों के अंदर से आर स्क्वायर कॉमन लिया, क्या बचा आर स्क्वायर प्लस 10, माइनस 9 कॉमन लिया बचा आर स्क्वायर प्लस 10 दैट इज इक्वल टू जीरो, तो ये आ गया आर स्क्वायर माइनस 9 इनटू आर स्क्वायर प्लस 10 दैट इज इक्वल टू जीरो। अब अगर ये जीरो हुआ तो आर स्क्वायर की वैल्यू 9, तो आर की वैल्यू प्लस माइनस 3, प्लस माइनस हमेशा, और इधर आर स्क्वायर की वैल्यू माइनस 10, तो ये तो इमेजिनरी हो गया क्योंकि किसी भी इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव होता है ना, रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो यहां से क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। तो फाइनल आंसर क्या है, आर की वैल्यू प्लस माइनस 3, तो यस अंडर दिस कंडीशन आर जो आर है जीपी का वो प्लस माइनस 3 आ रहा है, क्लियर हुआ। ये सब प्रिंटिंग द मिडिल टर्म समझ में आया कैसे किया, ऑनलाइन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो, राइट yes, नोट करो, नोट करो, शाबाश। ट्राई करो जरा, शाबाश। फाइंड जीपी फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज माइनस फोर एंड फिफ्थ टर्म इज फोर टाइम्स द थर्ड टर्म, ठीक है, ट्राई करो, करो करो ध्यान से। फर्स्ट टू टर्म्स यानी कि ए प्लस ए आर दैट इज माइनस फोर एंड फिफ्थ टर्म यानी कि ए आर की पावर फाइव माइनस वन दैट इज फोर इज इक्वल टू फोर टाइम्स थर्ड टर्म, थर्ड टर्म का मतलब ए आर की पावर थ्री माइनस वन दैट इज टू। तो देखो इसको इधर ले आओ, तो ए आर की पावर फोर माइनस फोर ए आर की पावर टू दैट इज इक्वल, अच्छा वैसे यहां पे ना तुम ए और आर काट सकते हो, क्यों, क्योंकि ए और आर नॉन जीरो है, ए और आर जीरो नहीं हो सकते, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो कॉम्बिनेशन वो जीरो नहीं हो सकता, अदरवाइज सब कुछ जीरो हो जाएगा, तुम्हारा जीपी जीपी जीरो 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 बन जाएगी। हाँ जी, का नाम सर ए प्लस ए आर, ये सेकंड टर्म निकालने का फॉर्मूला है भाई, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स उसने बोला ना, तो ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, तो दोनों का सम माइनस फोर है, ओके सेकंड टर्म तो ये है ना, यस। अब देखो यहाँ पे ए कटा आर स्क्वायर कटा तो बचा इधर आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, फोर, तो आर की वैल्यू प्लस माइनस टू। अब दो केसेस लेके जाने पड़ेंगे, केस वन व्हेन आर इज टू, अब फर्स्ट टर्म के अंदर फर्स्ट इक्वेशन के अंदर आर को टू पुट कर दो तो क्या चला जाएगा, टू पुट करके ए प्लस टू ए, ठीक है ना, आर को टू पुट किया तो ए प्लस टू ए दैट इज इक्वल टू माइनस फोर, तो ए की वैल्यू माइनस फोर बाय थ्री, तो ये फर्स्ट जीपी बनी जिसका ए क्या है माइनस फोर बाय थ्री एंड आर क्या है टू। अब सेकेंड केस टू, केस टू के अंदर आर को लिया मैंने माइनस टू, तो आर को माइनस टू इधर पुट किया तो क्या बन गया, ए माइनस टू ए, ए माइनस टू ए क्या आ रहा है वो, दैट इज माइनस फोर, तो दैट इज माइनस ए दैट इज माइनस फोर, तो ए की वैल्यू क्या आ गई फोर, तो इस चीज के लिए मेरी जो जीपी आ रही है उसका ए क्या आ रहा है फोर एंड आर आ रहा है माइनस टू, बात खत्म, ये जीपी आ गई।
जीपी फाइंड करने का मतलब जीपी का फर्स्ट टाइम एंड कॉमन रेशियो फाइंड करना, दैट्स इट। हाँ जी कनव बोलो। सर एक बार दोबारा से, मेरे को समझ नहीं आया भाई कौन सा पार्ट है कनव जो समझ नहीं आया, मेरे को बताना यार। सर थोड़ा स्टार्टिंग से क्लियर नहीं हुआ तो सर इसलिए थोड़ा बाकी से। भाई मेरे को ये बता, फर्स्ट टर्म क्या होती है जीपी की? ए, सेकंड टर्म ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब एंड सो ऑन। उसने क्या बोला, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। तो फर्स्ट टू टर्म्स मतलब इन दोनों का सम, तो ए प्लस ए आर क्या दे रखा है, माइनस फोर। बात समझा? यस। फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म क्या होती है, ए आर की पावर फोर माइनस फाइव माइनस वन फोर। तो ए आर की पावर फोर दैट इज फोर टाइम्स, यानी कि फोर टाइम्स थर्ड टर्म यानी कि ए आर स्क्वायर। बात समझा? ए कटा आर स्क्वायर कटा तो इधर बचा आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की वैल्यू फोर आ गई, तो आर की वैल्यू प्लस माइनस टू आ गई। समझा? Yes. तो आर के दो केसेस बनेंगे, एक प्लस टू एक माइनस टू। अब अगर आर प्लस टू है तो इसके अंदर आर को प्लस टू पुट कर, तो ए प्लस यहाँ पे आर को टू पुट करके बन जाएगा टू ए, तो ए प्लस टू ए थ्री ए, तो थ्री ए की वैल्यू माइनस फोर, तो ए की वैल्यू माइनस फोर बाय थ्री। तो यानी कि फर्स्ट केस क्या बना, जिसके अंदर एक ऐसी जीपी जिसके अंदर फर्स्ट टर्म क्या है माइनस फोर बाय थ्री और कॉमन रेशियो क्या है टू। सेकंड केस आर को माइनस टू लिया, तो इधर आर को माइनस टू पुट कर, बात समझ रहा है, माइनस टू पुट करके तेरा ए फोर आ गया। तो सेकंड केस क्या जा रहा है, जिसके अंदर ए आ रहा है फोर, आर आ रहा है माइनस टू, तो दो जीपी जा रही है। बात खत्म, क्लियर हुआ? यस सर। हाँ जी सबको क्लियर है ऑनलाइन? यस सर। राइट राइट।